अगर गोली मारता है तो हमारा जैसे यंग आदमी गोली मारेगा, इतिहास का बुरा तो गोली नहीं मारतेगा। अगर आप इसको अरेस्ट किया है, उस आदमी का उस पांचों आदमी से आपके कारतूस मिला है क्या, गन मिला है क्या? पहले गन मिलना पड़ेगा, कारतूस मिलना पड़ेगा ना, तब तो आप उसको अरेस्ट करके आप जेल में रखेगा, आप सजा देगा। तो टोराजन फायर एक्सीडेंट सेकेंड फर्स्ट पॉइंट है। सेकेंड पॉइंट है इमीडिएटली अरेस्ट दुर्गा बोरा। थर्ड पॉइंट है इमीडिएटली रिलीज इनोसेंट विक्टिमाइज आए। फोर्थ पॉइंट है रीवेरिफिकेशन रीजनल कमेटी चंपक चेजो सोहम दुर्पाई कंकू सर्कल और उस चारों ये का था। इसलिए हम इसको डिटेली थोड़ा आप लोगों को बता देगा। ये टोराजन फायर एक्सीडेंट जो 5 जून में जो हुआ है उसको हम लोग 8 जून को हम लोग विजिट करने के लिए गया था। तो हम लोग 5-6 तारीख में जाना था, तो वहाँ का लोकल मजिस्ट्रेट लोग बोला है कि अभी बहुत हॉट इश्यू हो रहा है, आप लोग नहीं आने से ठीक होगा बोला है। इसलिए हम होने से भी, क्योंकि मीडिया में आने से पहले हमको वहाँ का ग्राउंड डिटेल रिपोर्ट हम लेना था, क्योंकि डिटेल रिपोर्ट नहीं लेके हम किसी को फिर नहीं बोल सकता है। इस हिसाब से हम 8 जून को हम कंकु सर्कल गया, टोराजन बस्ती में गया, जाके वहाँ का जितना विलेज नाइबरिंग विलेज को भी मिला। उसका नाइबरिंग विलेज में पड़ता है टोराजन का, उसमें केचा कतोनी पानबाड़ी मोयंग, उसमें नेपाली है, मिसिंग है, कुसारी है, वहाँ का लोकेलिटी है। तो उन लोग से भी बात हुआ और टोराजन पब्लिक से भी बात हुआ, तो देखा है कि उस दोनों बीच आपस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपस में बहुत मिलकर रहता है। इसलिए हम लोग ये टोराजन एक्सीडेंट को हम लोग बॉर्डर डिस्प्यूट में हम लोग नहीं मानता है। ये एक अपना इंडिविजुअली जो पर्सनल जो व्यू एक आदमी का सोच का उस इशू में हम लोग मानता है। तो हम लोग उसमें विजिट करके गया है। तो ये जो स्टार्टिंग 2 जुलाई 2021 में से स्टार्ट हुआ है, तो अभी तो 23 चल रहा है, तो 21 से स्टार्ट हुआ है। 21 में वहाँ का जो WRC KT है, तो फेरीफिल लेन है, उसका पेंसिंग को तोड़ना शुरू किया है। असम से अनोन आदमी आके तोड़ना शुरू किया है। उसका बाद बोथ दी गवर्नमेंट वहाँ का एडमिनिस्ट्रेटिव कांकू का CO दिमाजी का CO मिलके फिर साइलेंस हो गया। उसका बाद फिर 23 मई 2023 यही साल का मई का 23 में फिर वहाँ में इलीगली मंदिर कंस्ट्रक्शन करना शुरू हो गया। तो मंदिर बनाना शुरू हो गया, तो मंदिर बनाना शुरू हो गया तो हमारा कंकू का CO जो फिर लिकाबली CO को बताया, लिकाबली CO को बता के बोला कि ऐसे ऐसे इलीगल हो रहा है, क्योंकि जब रीजनल कमेटी जब बना के रखा हुआ है जो बहुत जो डिस्प्यूट लेन में ऐसे नहीं करना चाहिए, चाहे डिस्प्यूट लेन हो जो भी हो, ये कमेटी जब तक फिनिश नहीं होता ये नहीं करना चाहिए बोले। तो दिमाजी का CO आके उस ये को मंदिर को डिसमेंटल किया है। हमारा अरुणाचल गवर्नमेंट नहीं किया, वहाँ असम गवर्नमेंट नहीं किया, असम पब्लिक आया है, असम पुलिस लोग आके डिसमेंटल किया है। इसलिए हम लोग ये चीज़ को, ये टोराजन जगह को हम लोग का सोच यही है कि दैट मीन्स ये अरुणाचल है, क्योंकि असम गवर्नमेंट उसको तोड़ दिया तो इलीगल है, वो तो तोड़ा है तो पुलिस लोग, दैट मीन्स ये अरुणाचल है। तो इसलिए ये चीज़ तो अरुणाचल होने देके ये 5 जून को उसमें प्लांटेशन करने का ज़रूरत नहीं था। अगर अरुणाचल नहीं भी हो, चाहे डिस्पोट लेने हो, तब भी तो 5 जून को नहीं करना चाहता, चाहे वर्ल्ड एनवायरमेंट डे हो जो भी हो, क्योंकि डिस्प्यूट चल रहा है। तो अगर अरुणाचल लेने होने से भी डिस्प्यूट चल रहा है तब भी तो नहीं करना चाहिए। तो उसमें उन लोग ये हुआ, ये ओके कुछ एक्सीडेंट हुआ, तो उसमें हम लोग पता चला है कि इसमें जो दुर्गा बोरा है ये हुआ का मास्टर माइंड है, मेन जो ये जो है वही है मास्टर माइंड, जो मैनिपुलेट जो पब्लिक लोग को करा रहा है ये आदमी जो है। और ये आदमी भी बिलोंग वही अभी जो केचोकातनी पानबाड़ी मोयंग उस विलेज से नहीं पड़ता है, वो तीनों विलेज से 20 किलोमीटर नीचे से है। उसका विलेज का नाम है डिंगिया और ये आता है POP गोगामुख में आता है, धिमाजी डिस्ट्रिक्ट में ही आता है, लेकिन उस अभी का दो विलेज से तीनों बस्ती से 20 किलोमीटर नीचे में है। तो उस जगह से आके वहाँ का बस्ती लोकेलिटी को उन लोग ये करता है, परफॉर्म कराता है, मैनिपुलेट कराता है, मिसअंडरस्टैंडिंग कराता है दोनों बहुत ही स्टेट में, जो नाइबरिंग जो भाईचारा बेच रहा है उसको डिस्टर्ब कराता है। इसलिए हम लोग ये दुर्गापुरा को उस दिन हम लोग केस रजिस्टर किया है, ये जो बॉर्डर स्टूडेंट यूनियन का तरफ से हम लोग केस रजिस्टर किया है, वो कॉपी हम लोग को बाद में आप लोग को दे देगा कॉपी को, केस रजिस्टर किया है। और ये सेकेंड पॉइंट जो है, और ये दुर्गापुरा जब तक ये था 3 महीना उसको रेप केस में ट्रायल में रेप केस चार्ज में वो असम में था, तो ये एक क्रिमिनल मेंटेलिटी वाला ही आदमी है, ये अच्छा आदमी नहीं है, ये उस एक संगठन का जनरल कहते बोला है। ऐसे आदमी को जनरल कहते देना भी नहीं चाहिए। जो लड़की को इज्जत नहीं रखता है वो क्या पोस्ट होल्ड करेगा, उसको पोस्ट देना नहीं है, वो सेक्रेटरी से उसको बर्खास्त करना चाहिए। और हम लोग ये चीज़ इसलिए हम लोग को
डिमांड है कि ये दुर्गापुरा को जल्द से जल्द अरेस्ट करना है। दुर्गापुरा को अरेस्ट करेगा तब असली कॉन्फ्लिक्ट कौन है, असली वहाँ का जो शूटर कौन किया है तब मालूम होगा। तो हम लोग भी ये चीज़ को शूटर को हम लोग भी कंडम करता है, जो अरुणाचल तरफ से हुआ भी है तो हम लोग भी कंडम करता है, ये सब नहीं होना चाहिए। और ये चीज़ भी प्रोवोकेस ये से असम से पहले हुआ है बोला है, वो आप लोग को बाद में हम दे देगा, उसका फोटो उठो है, दुर्गापुरा का पिस्तौल पकड़ने वाला है, उसका तीर उर पकड़ने दाऊ पकड़ने वाला भी फोटो पूरा है, उसको आप लोग को बाद में दे देगा एक कॉपी। ये है इसलिए हम लोग का ये है दुर्गापुरा को जल्द से जल्द अरेस्ट करना है अरुणाचल गवर्नमेंट को। और हम असम काउंटर पार्ट को जो दुर्गापुरा को फ्रीडम फाइटर समझता है, जो दुर्गापुरा का के लिए असम में स्ट्रक करता है, उसी जितना पब्लिक को वेलफेयर को जितना ऑर्गेनाइजेशन को हम रिक्वेस्ट करते हैं कि आप अगर दुर्गापुरा फ्रीडम फाइटर है तो हमारा चाइना बॉर्डर में भेजे, कुरुंग में टक्सिंग लेमेकिंग में भेजे, और हमें चाइना को वार करने दीजिए, अपना भाईचारा में क्यों लड़ाई करेगा। असम और अरुणाचल जो एक भाईचारा है ना, एक भाई भैया है, तो हम अरुणाचल है तो असम से है, असम से हमको पैदा किया है ना, तो इस बीच में इस चीज़ में असम अरुणाचल बीच में डिफ्रेंस नहीं करना चाहिए। हम बोर्ड ऑर्गेनाइजेशन को रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लोग ये चीज़ नहीं करना चाहिए। और हम ये भी एक आप लोग को एग्जांपल देते हैं कि अरुणाचल में जब भी कोई एक्सीडेंट होता है, असम का आदमी भी हमें गाड़ी उड़ी टोक के किसी को एक्सीडेंटली गाड़ी टोक के एक्सीडेंट मरा भी देता है, तब भी हमारा अरुणाचल गवर्नमेंट स्ट्रेक नहीं करता है, अरुणाचल पब्लिक अरुणाचल का स्टूडेंट यूनियन स्ट्रेक नहीं करता है, क्योंकि हम लोगों को बिलीव करता है, हम लोगों पर भरोसा करता है, लोग जैसे पनिश करेगा हम उसमें एग्री करता है। इसलिए हम असम गवर्नमेंट को भी असम का पब्लिक को भी हम वही रिक्वेस्ट करते हैं, आप लोग लो पे भरोसा करना चाहिए, लो को भरोसा करना है। हमारा अरुणाचल गवर्नमेंट को भी हम वही ये है कि आप इसको जल्द से जल्द इन्वेस्टिगेशन कीजिए, और जो जितना ये डिटेन जो अरेस्ट किया है, जो इनोसेंट पब्लिक है, जो एक तो 80 ईयर्स ओल्ड एज है बोला है, तो 80 ईयर्स तो गोली नहीं मार सकता है ना, उसको आप लोग भी मीडिया है, आप लोग भी कंकु सर्कल कभी तोराजन जाके और पासीघाट जेल में है बोला है, आप लोग भी जाके देखिए। तो हम अरुणाचल गवर्नमेंट को भी बोलता है अगर गोली मारता है तो हमारा जैसे यंग आदमी गोली मारेगा, 80 ईयर्स का बुरा तो गोली नहीं मार सकेगा। अगर आप इसको अरेस्ट किया है, उस आदमी का उस पांचों आदमी से आपके कारतूस मिला है क्या, गन मिला है क्या, पहले गन मिलना पड़ेगा, कारतूस मिलना पड़ेगा ना, तब तो आप उसको अरेस्ट करके आप जेल में रखेगा, आप सजा देगा। क्योंकि हम ये भी नहीं कंडम ये भी नहीं बोलता है कि हमारा अरुणाचल सही, वो भी नहीं बोलता है हाँ अरुणाचल आदमी गलत किया है, लेकिन इसको आप ये इनोसेंट वाला को रिलीज करके आप सही कल्प्रिट को पकड़े, सही आदमी को पकड़े, आप जज कीजिए, बोर्ड गवर्नमेंट मिलकर आप इसको इंक्वायरी कीजिए, इंक्वायरी बताइए, SIT बताइए इसको, इससे पहले ये दुर्गापुरा को अरेस्ट करना चाहिए। ये मेरा अरुणाचल गवर्नमेंट को भी रिक्वेस्ट है और असम गवर्नमेंट को भी रिक्वेस्ट है। ये रीलोपिंग ये जो रीवेरिफिकेशन रीजनल कमेटी जो कंकु सर्कल और सरंग डिस्ट्रिक्ट का है, जो इसमें है दुर्पाई, चंपक चौजो एंड सोहुम, तीनों डिस्ट्रिक्ट का है, लेकिन इसको कोई कोई आदमी लोपिंग सिस्टम को मालूम नहीं है। तो आप लोग को मीडिया को हम अच्छा से बता रहे हैं, आप लोग भी किसी को समझाइए, लोपिंग सिस्टम ऐसे है कि हम ये सराउंडिंग ये घर को हम एक मैप का अंदर में घुसा देगा, हम इससे और उस दीवार तक भी क्रॉस नहीं कर सकना है, क्योंकि ये घर मेरा रह जाएगा, लेकिन वो उस साइड हम निकल भी नहीं सकते। लोपिंग सिस्टम का मीनिंग यही है, क्योंकि ये अभी तीनों बस्ती को दुर्पाई, चपक चेजो, सोगुम को उन लोग लोपिंग बना कर रखा हुआ है, क्योंकि वो बस्ती अरुणाचल रह जाएगा, लेकिन उसका जितना पहाड़ एरिया है, हिल है, जो गच्ची है, पट्टा है, उसको हम कुछ भी नहीं कर यूज नहीं कर सकते, क्योंकि उसको यूज़ करने के लिए हम असम गवर्नमेंट से पूछना पड़ेगा, असम पुलिस से पूछना पड़ेगा। ये एक गलत है, ये चीज़ को हम अरुणाचल गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट करते हैं कि जो रीजनल कमेटी लोअर सिंह डिस्ट्रिक्ट का जो MLA को, वहाँ का चेयरमैन को, DC को, मेम्बर्स के, तो हम रिक्वेस्ट करते हैं कि आप इसको कंकु सर्कल का जो दुर्पाई, चंपक चेजो, सोहम का पब्लिक को, वहाँ का वेलफेयर को, वहाँ का इंटेलेक्चुअल को डिस्कस करके आप इसको रीवेरिफिकेशन कीजिए। अगर लोपिंग करना भी है तो आप इसको पहले उन लोगों के पास ग्राउंड रिपोर्ट रिलेटिव में जाइए, ग्राउंड रिपोर्ट में उसको दिखाइए, आपका डॉक्यूमेंट्स को शो कीजिए, इसका बाद आप इसको जो करना है आप उस पब्लिक को पूछ के कीजिए।